तो बंदा हाजिर है और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिग बॉस जो है अपना गेम ऑन कर चुके हैं। नहीं, आप जो गेम देख रहे हो वो तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन गेम को और भी ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए उन्होंने अपना पर्सनल गेम चालू कर दिया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि कल के दिन में एग्जैक्टली घर के अंदर में क्या हुआ है। बेबिका ने एक बार फिर से साबित किया है कि उसको कोई कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है। हाँ, लिटरली मनीषा ने यही कहा है। और सच बताऊं तो जहां से झगड़े की शुरुआत हुई थी और जहां पे जाकर खत्म हुई, जब झगड़ा खत्म हुआ उस वक्त में भाई सच बताऊं तो एक सेटिस्फेक्शन फील हुआ कि भले से उसने कितना भी ज्यादा पोक किया हो मनीषा रानी को, लेकिन मनीषा रानी ने जो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है कि तुझे कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा इस शो के बाहर में, तू देख लेना, कोई लड़का नहीं मिलेगा शादी करने के लिए, तेरे साथ में कोई रिश्ता बनाना ही क्यों चाहेगा, लड़की के नाम पे तू कलंक है और तेरे माँ बाप जो है तेरे लिए मतलब पछता रहे होंगे। भाई जो भी चीजें कही है उसके ऊपर में जो रिएक्शन आया है और सारे के सारे ग्रुप मिलकर के बेबिका का साथ दे रहे थे कि नहीं, माँ बाप के बारे में उसने पहले बोला है, जबकि बेबिका ने खुद ही कहा था कि माँ बाप तेरे ऊपर में थूक रहे होंगे कि तुम मर्दों के पीछे में ऐसे घूमती रहती है, मर्दों को देखते ही स्लिप हो जाती है। भाई ये सारी चीज कहने के बाद में ये अटैक हुआ कि तेरे घर वाले पछता रहे होंगे। और ये सारी चीजें जो भी हुई, ये डेविल और एंजल के बीच में जो एक गेम चल रहा था उसी के बीच में आया कि फरिश्ता और जो डेविल है उस बीच में आप अपने तरफ से जितने भी एंजल से उसको पोक करोगे और वो पूरी चीजें सह करके लेंगे। लेकिन इस टास्क के नाम पे सबने अपने असली चेहरे को सामने रख दिए एंड पूजा भट्ट वाज सो बाइज्ड ऑन दैट सिचुएशन कि जब वो सारी चीजें चल रही होती है खुद की कान बंद करके निकल पड़ी वहां से। और ये बंदी कहती है कि नहीं, वो जो कहती है सही कहती है, जबकि खुद झेला नहीं जा रहा होता है। जो जो लोग बेबिका का साथ दे रहे होते, चाहे वो जिया शंकर हो या फिर पूजा भट्ट हो और इससे पहले भी जो लोग थे, वो सबके सब कट लेते भाई, क्योंकि बेबिका उस रूप में पहुंच जाती है जहां पे उसको देखना कोई भी पसंद नहीं करता। और उस मैडम को हर वक्त ये लगता है कि मेरी ये सारी चीजें इस घर के बाहर वायरल चल रही है। भाई कैसे, इसको कौन बता रहा है कि इनकी सारी चीजें ट्रेंड पे चल रहा है और हैशटैग क्रिएट हो रहा होगा। सो इस सारी चीजों के बीच में जो है अभिषेक घुस पड़ते हैं और अभिषेक जो है अपना स्टैंड लेना शुरू करते हैं, जैसे कि ठगेश भाई ने कहा कि यार अपना स्टैंड थोड़ा ज्यादा लिया कर। और उसके बाद से भाई साहब ने वही चीज किया। देखा जाए तो भाई फुटेज सबको बराबर मिली है, लेकिन बेबिका के अंदर के जो ग्रजेस है वो सारी चीजें दिख रही थी, वो जो भी चीजें कर रही थी उसके अंदर में एक पर्सनल अग्रेशन दिख रहा था, वो बस एक आड़ लेकर के चल रही थी। और यहाँ पे पूजा भट्ट ने कुछ भी नहीं किया। बाय द वे, पूजा भट्ट से याद आया कि बिग बॉस ने पूजा भट्ट को खुद घर से बाहर निकलवाया 5 घंटे के बाद, फिर वो घर में वापस आती है। अब इस 5 घंटे के अंदर में एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, शायद उनको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे कि आपको कैसे दिखना है, आपको किसके साथ रहना, किसके साथ रह करके उसका साथ देना है या नहीं देना, ये सारी चीजों पे क्लैरिफिकेशन मिला होगा। क्योंकि बाहर जाके फलकनाश की जो तोते उड़े हैं, हो सकता है कि ऐसे ही कुछ पूजा भट्ट के साथ भी हो जाए, ये ना हो बोल करके मेकर्स ने जो अपना दिमाग चलाया और पूरे के पूरे सीन को स्क्रिप्टेड करने का सोच लिया। क्योंकि पूजा भट्ट जब से वापस आती है कुछ अलग रंग रूप के साथ आती है। आपका क्या टेक है बिग बॉस के अंदर में जो भी चीजें हुई है, खास करके कल की फाइट को लेकर के आपका टेक क्या है कमेंट सेक्शन पे लिख करके बताना। आई एम टोटली सपोर्टिंग दैट अपना YouTube वाला कम्युनिटी और जो सोशल मीडिया में है मनीषा रानी, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आप बेबिका को किस हद तक कितना ज्यादा प्यार करते कमेंट करके जरूर बताना। और पूजा भट्ट वाला टॉपिक को लेकर के भी आप क्या सोचते हो, क्या मेकर्स जो है इस शो को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। और अगर आपको कोई भी फैक्ट या फिर डॉक्यूमेंट्री या फिर किसी भी तरह के केस स्टडी वीडियो देखना है तो चैनल को और भी जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और भी कंटेंट आने वाले। फर्स्ट कंटेंट आपको यहां पे दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।